ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ ਪਾੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਜੀ ਕੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ 200 ਕੁਸ਼ਚਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਈ ਤਾਂ 101 ਤੇ 101 ਤੇ 300 ਤੀਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਦੱਸੀ ਦੀ ਯਾਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਮੁੰਟ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪ ਲੋਕ, ਲਾਈਕ वीडियो पे थंबनेल होगा हिमाचल प्रदेश के टॉप 10 क्वेश्चन, फटाफट क्लिक कर दे, 10 क्वेश्चन दिखा दे, 10 में तो 8 होंगे होने। हम बड़े खुश भाई, साड़ी तैयारी तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हटके पढ़ो। हटके मतलब कि जो क्वेश्चन बार बार यार, वो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, हिमाचल प्रदेश की मांग किसने रखी, हिमाचल प्रदेश में जिदा कोई भी ईजी ईजी क्वेश्चन जेडे भी है ना, जो सारे नॉर्मल सारे पता ना, तो वो क्वेश्चन मत पढ़ो। वो कुछ हटके थोड़ा मुगल सम्राट अकबर बलाने ढमकाने इधर उधर पढ़ो, जो थोड़े पेपर में आते हैं। आपको अगली वीडियो में ना एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा मेरे, मैं HPSC भी, हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो ड्राइवर का पेपर आया था वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसमें भी ना मोटर व्हीकल एक्ट और मतलब ऐसे क्वेश्चन है, और हिमाचल जीके के क्वेश्चन भी, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे कि आपने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने देखे भी होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं देखे होंगे, बहुत से लड़के होंगे जिन्होंने देखे होंगे, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसे लोग लड़के हैं हमारे हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं HRTC कंडक्टर की, तो उसमें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के यार शुरू करता हूँ। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार, अगर करना है तो सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। अगर कोई कमी है तो मुझे दसी नहीं, वीडियो कमेंट से कर दे रही हो, वो कुछ भी लिख देने हो ये मोह थोड़ा इन कर लो इन कर लो। अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं लग गया तो मुझे रिकमेंड करके दसी नहीं, प्रावा हाथ जोड़े तू वीडियो मत बना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 101। 100 क्वेश्चन पिछली वीडियो से और दिखला नहीं दिखनी मेरा। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर, मतलब जागीर पता नहीं क्या, जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो ये किया था अपना भाई साहब बीरबल को, ठीक है? बीरबल को जागीर के रूप में मुगल सम्राट अकबर ने बीरबल को जो है कांगड़ा जागीर के रूप में प्रदान किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मंडी जिले का गठन 15 अप्रैल 1948 को किन दो रियासतों को मिलाकर किया गया था, ठीक है? तो दो क्वेश्चन बनी है, तो कि मंडी जिले का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, और किन दो रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो वो किया गया था मंडी और सुकेत रियासत को मिला के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास गुफा किस जिले में स्थित है? ब्यास गुफा किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यार, ब्यास गुफा था बिलासपुर, बस सिंपल है, ब्यास बिलासपुर, ठीक है? अगला 104, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती, ठीक है? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे जो भी पेपर हुए ना, जरूरी नहीं है यार HPPSC ही है वो है, ये जो हिमाचल बोर्ड नहीं पूछूंगा। तो अभी हिमाचल सिलेक्शन जो सबॉर्डिनेट बोर्ड था क्या, वो अलग से थोड़ी अपना निकालता था? जीके जीके तो एक ही है ना, जीके चाहे HPPSC पूछे चाहे HP, जो हमारा उन्होंने सबॉर्डिनेट बोर्ड जो कैंसिल कर दिया है वो पूछे, जीके तो जीके है, ठीक है? तो ये सेम ही होता है जीके, ठीक है? हाँ, करंट अफेयर अलग होते हैं, करंट अफेयर तो आपको पढ़ने पड़ेंगे अलग से, उसकी वीडियो लेके आऊंगा अगर इनकेस हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? शिला चोटी का नहीं पता, किन्नौर जिले से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क स्थान स्पीति, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पीति, शुष्क स्थान जो है हिमाचल प्रदेश का स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी का चश्मा, और सॉरी 107 नंबर क्वेश्चन है, एक गर्म पानी का चश्मा मणिकरण किस जिले में स्थित है? मणिकरण, मणिकरण नहीं पता, कुल्लू, ठीक है? मणि नहीं, चंबे च मणिकरण कुल्लू। इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अब ये इमला है, इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर इमला ही होगा शायद। इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा मंडी जिले में। प्राचीन समय में किसे प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता है? शायद ये क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट हो रहे होंगे, कुछ कुछ, ये नहीं है कि सारे रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ रिपीट हो रहे होंगे। तो ये है प्रतिष्ठानपुर का जो सॉरी जो पुराना नाम था, मतलब पठानकोट का पुराना नाम था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रमुख नदियां बहती हैं? 5 नदियां, ठीक है? सराहन को पहले किस नाम से जाना जाता था? सोनितपुर, ठीक है? नेक्स्ट, काला जीरा हिमाचल के किन जिलों में पैदा किया जाता है? काला जीरा हिमाचल के किन जिलों में पैदा किया जाता है? काला जीरा ये होता है थोड़ा किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में, जिले इन दोनों किन्नौर और लाहौल स्पीति, तो काला जीरा थोड़ा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, कुगती वन्य प्राणी अभयारण्य किस जिले में? कुकती बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा। कुकती कुकती वन अभयारण्य चंबा जिले में, ठीक है? चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो ये कर दी संदोल, ये पे अमीरपुर वाली साइड, ठीक है? अमीरपुर तो सुजानपुर वाली साइड जाएंगे तो रास्ते साइड उतनी, मतलब उसी एरिया में संदोल नामक एक जगह, संदोल नामक 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 क्या संदोल जगह ना एक, ठीक है? और ये मैं सोच रहा यार कि मैं हिंदी भी बोला पहाड़ी बोला, मैं हमें मुझे पता है कि अगर मैं हिमाचल जी की करवा रहा हूँ तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे हिमाचली होंगे, ठीक है? कोई होगा जो बड़ा अंग्रेज होगा जो भाई जिसे हिंदी जी
पढ़ना होगा भाई हमें तो। अपन अगर हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो ऑब्वियस ही बात है यार हिमाचली तो समझेंगे आप लोग। ये मत समझना यार ये ऐसी ये डफर कभी पहाड़ी में कभी हिंदी में बात कर रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला पैराग्लाइडिंग विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश में। ठीक है पैराग्लाइडिंग में पता बीड़ बिलिंग वाली साइड होंगी धर्मशाला वाली साइड आप गए होंगे तो हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग विश्व कप हुआ था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलासपुर जिले के किस स्थान पर एसीसी सीमेंट प्लांट स्थित है? ये ब्रह्माण है बोल देना ब्रह्माण सीमेंट आया ये ब्रह्माण में। ठीक है ब्रह्माण। सोनालिका किस फसल की किस्म है? सोनालिका सोनालिका ट्रैक्टर तो होता ट्रैक्टर बांधा कणक तो कणक मतलब गेहूँ। ठीक है तो सोनालिका जड़ा है गेहूँ की गेहूं फसल की किस्म है। मिनी लासा प्रदेश के किस जगह को कहा जाता है? ठीक है मिनी लासा कहा जाता है धर्मशाला को। अब देखो लासा लासा मेरे इसमें मैं आपको बता देता हूँ शायद चीन में है। ठीक है चीन ही है जो लोग दिखने वाले शायद मैं मेरे को पक्का नहीं है कि कहाँ है लेकिन मतलब लासा शायद चीन में ही है। तो अब ये लामबा वगैरह जो दलाई लामा के जो लाल कपड़े वाले आपने धर्मशाला में देखे होंगे तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो यार मिनी लासा किसे कहते हैं धर्मशाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश किस जिले में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन होता है? तो तुम्हें बताओ ना शिमला। ठीक है और थी मैं चली अंदर भी शिमला होता है सबसे ज्यादा। ठीक है ये कुल्लू कल्लू भी बोल सकते पर पता नहीं यार कुल्लू नहीं पता। ठीक है पर शिमला होता है सबसे ज्यादा सेब। लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करता है? जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट अपना ये बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? बादल हिमनद हिमाचल के कांगड़ा जिले में। ठीक है कांगड़ा जिले में सबसे बड़ा कांगड़ा जिला क्षेत्रफल नहीं सॉरी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक है बोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म संभव का नाम किस झील के साथ जोड़ा जाता है? पद्म संभव का नाम किस झील से जोड़ा जाता है? तो ये है रिवालसर। ठीक है रिवालसर के साथ पद्म संभव का नाम जोड़ा जाता है झील का नाम जोड़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण स्थान कुतु है कहाँ है मतलब तो ये है कुल्लू में। ठीक है बोलियो कुल्लू मतलब ये मनाली है हिमाचल पर्वत और पर्वतारोहण संस्थान। छातीपुर किला किस जिले में है? छातीपुर किला भाई साहब मैं भी नहीं दिखा वैसे लेकिन छातीपुर किला बिलासपुर उन छातीपुर रहता थल आंसर होगा जी तू भी पूर्ता मतलब बिलासपुर लगाई ने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शीला कोल कोल। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम। नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था? नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया? करेक्ट आंसर रहेगा जगत सिंह। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है? गर्म जल स्रोत मणिकरण। मणिकरण के चश्मे पड़ा हुआ आपने। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाहनगर परियोजना। ठीक है नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश का निर्माता किसे कहा जाता है? कहता है डॉक्टर वाईएस परमार को। पहला मुख्यमंत्री भी साढ़ा ही है। ठीक है नेक्स्ट। क्यांग पशु किस जिले में पाया जाता है? क्यांग क्यों होंगे उस साइड पहुंचे थोड़े किन्नौर लाहौल स्पीति इधर तो है तू तो सुनी नहीं होने। ठीक है सॉरी क्यांग क्यों होंगे इधर ना ऊपर ही होंगे लाहौल स्पीति वगैरह। ठीक है अगला क्वेश्चन कहना किन्नौर हो गया तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में क्यांग पशु पाया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। रामपुर बुशहर के राजा कैरी सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर मुगलों ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी भाई? रामपुर बुशहर के राजा कैरी सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर मुगलों ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी भाई उसको? ये की थी छत्रपति शिवाजी नहीं ओनली छत्रपति की उपाधि। हिमाचल प्रदेश में रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश बोर्ड से पूछा है एक बार मैं भी जता सर पेपर नगर कुल्लू रोरिक आर्ट गैलरी नगर सॉरी नगर कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 103 याद रखना रहा है। हडिम्बा माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पगोड़ा शैली। ठीक है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये है चंद्रभागा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बघाट रियासत के अंतिम शासक का क्या नाम था? दुर्गा सिंह। बघाट रियासत के अंतिम शासक का क्या नाम था? दुर्गा सिंह। लाजो लाजो एक फिल्म भी बनी थी। ठीक है लाजो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा शांता कुमार। मुझे नहीं पता कि उन्नी उन्नी जड़ी लिखी बुक थी लाजो ये सब फिल्म बनी ही मैं नहीं जानता पर मैं लाजो फिल्म देखी जब मैं छोटा था काफी ज्यादा हाँ मैं देखिए लाजो की फिल्म थी सर्च करने बाय चांस क्या पता यूट्यूब पर आई है। लाजो नामक पुस्तक लिखी थी शांत कुमार ने। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। ठीक है हिमाचल प्रदेश के राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 12 जिले। बीच बीच ये एन क्वेश्चन है ऐसे जेडे की बिल्कुल नॉर्मल पर बीच बीच ऐसे जेडे तुम्हें पता ही नहीं होना। ठीक है सुकेती जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? यह है सिरमौर जिले में सुकेती सिरमौर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन।
देवदार, सॉरी हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? था ये देवदार, जो ऋषि मतलब बड़े बड़े लंबे पेड़ होते ना, देवदार। साढ़ी साइड नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध युद्ध स्मारक कहाँ पर है? धर्मशाला। धर्मशाला दिखे उन्हें टैंक टूंक पड़ोते ना, युद्ध स्मारक बोलते। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मीरपुर। मीरपुर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भाई, पढ़े लिखे क्या इंस्टीट्यूट ज़्यादा ना, कॉलेज ज़्यादा ना तो हमीरपुर। ठीक, प्राइवेट क्या, सरकारी कितने? सरकारी NIT है, एक अनु कॉलेज है, और बाकी का मेरे IDN है सारे। ना ना ना, एक नालंदा विश्वविद्यालय भी है। नालंदा विश्वविद्यालय है क्या बोलती थी? नालंदा भी है चनियारी वाली साइड, ये तो पेपर भी होंगे। हाँ सरकारी है मेरे IDN है, ये प्राइवेट है मुझे नहीं पता। तो काफ़ी ज़्यादा साक्षर है वो, और होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी है गवर्नमेंट वहाँ पे हमीरपुर जिले में। सिखों के 10वें गुरु के नाम पर हिमाचल प्रदेश में बनी झील का क्या नाम है? तो ये है हमारा गोविंद सागर झील, सामने पता लगा। ठीक है, नगर कोट के लिए कांगड़ा किले की स्थापना किसने की थी? नगर कोट के लिए या फिर कांगड़ा किले की स्थापना किसने की थी? सुशर्मा चंद। कुल्लू का मलाना नामक गांव किस कारण से प्रसिद्ध है? ये बड़े पुराने प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए, मतलब ये तो पुराना लोकतंत्र चल रहा है, अपना ही सिस्टम है सब। साढ़े वर्ग का बंदा नहीं हो तो ये कर सकता, हाँ घूमना जा सकता, ऐसा नहीं है कहना बोल दे उस साइड पुलिस पास मिल जाती। ठीक है, मलाना मलूने ये जो सुने आए हैं। हाँ बाकी जेडे तो हदे सहजान निकले, जेडे उत्थुर हदे सहजान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मेरी वीडियो कुतु कुतु तो दिखा बंदे से कमेंट करने, क्या पता मैं एक आईडी लगा दी, क्योंकि मंडी की भाषा अलग होंगी, मीरपुरी वाली भाषा थोड़ी अलग होंगी, वैसे समझी आते साड़ी भाषा, मेरी कांगड़ी वाली भाषा। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके दस नहीं, तो समझ होती मेरी हिंदी, मेरा जी पहाड़ी बोला है तो समझ होती। ठीक है, वैसे नहीं मैं बोला भी वहाँ को कमेंट करने, मर्जी है करना होगा ना, पूछा भी कुछ कुछ शिमला शुमला नहीं, मेरी शिमला शुमला यार मेरी नहीं समझ सकते मेरी भाषा, शायद बोला कल जो कोई बंदा लाउस पीते थे दिखा मतलब, मुझे लग रहा है मेरी भाषा समझी पा लूंगा, उसे तो लगा उन्होंने पता नहीं क्या बोला था। कांगड़े वाले सारे समझे उन्होंने, कांगड़े उन्होंने सारे समझे उन्होंने। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहाँ एशिया का बड़ा मत्स्य प्रजनन है? मछली पालन सबसे ज्यादा जगह देवली बिलासपुर में होता है। ठीक है, देवली। छातीपुर किले का निर्माण किसने करवाया? संसार चंद, बड़ा कारीगर है, कारीगर के पैसे बड़े, एशिया संसार चंद बड़े किले का निर्माण करवाया था, सारा कांगड़े वाला भी उन्हें करवाया। चल, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किस स्थान पर भारत जर्मन सहयोग से दुग्धशाला विकास इकाई की स्थापना की गई? चक्कर नामक स्थान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किस स्थान पर भारत जर्मन सहयोग से दुग्धशाला विकास इकाई की स्थापना की गई? या नमक, सॉरी चक्कर नामक स्थान पर दुग्धशाला, दुग्धशाला याद रखना चक्कर नामक। नेक्स्ट, वर्ष 1960 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? 1960 की गल करा तो उस टाइम थे 63, और इस टाइम कितने ना 68। ठीक है, इस टाइम 68 ना। खोखन वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ये है कुल्लू में, खोखन कुल्लू। ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और सांबर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला? 10 पे जो 40 साल तक लड़ते रहे बराबर, इन्हें भी कोई काम नहीं है। 10 ऋग्वेद में वर्णित, मतलब ऋग्वेद पुराने पता नहीं कब के हैं ये, 40 साल आजकल उम्र नहीं होती हाड़े लोगों की, नहीं तो 40 साल तक लड़ते रहे। 10 सारा भाई साहब, ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और सांबर के बीच, सांबर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला? 40 साल, मेरे परमात्मा 40 साल, तो मुझे तो नहीं लगता मेरी उम्र भी होंगी 40 साल है, 40 दिक्कत कुछ कभी। नमक की खाने गुम्मा और दरंग में, ठीक है याद रखना, नमक गुम्मा और दरंग, गुम्मा और दरंग। स्पीति नदी का स्थान उद्गम स्थान कुंजुम दर्रा, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कुंजुम दर्रा। शीश महल जो कि नारन सिरमौर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? फतेह चंद प्रकाश। शीश महल जो कि नारन सिरमौर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फतेह चंद प्रकाश। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? पूर्ण राज्य जो है ये कलेक्टर वगैरह में पूछ सकते हैं, पूछ सकता मतलब ये क्वेश्चन है, पर ये पीछे वाले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं, तो उनमें पूछे गए हुए हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आ रहा है क्वेश्चन, ये मत सोचना कि तू भी पहले बकचोदी कर रहा था कि ये क्वेश्चन मत पढ़ो, अब बीच में आ जाते हैं यार, ऐसा नहीं है। अब ये शीश महल को नारन सिरमौर में इसका निर्माण किसने करवाया? फतेह चंद प्रकाश से पढ़े तो पढ़े आता मुझे तो सुने। चल अगला क्वेश्चन है, महासू चोटी के जिले में महासू शिमला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी। 320 किलोमीटर अपना सफर तय कर दिया है हमारे हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, ये बोंदी तो उस साइड लठियाणी वाली साइड, बड़ी कैंट व्यू है, कभी मन मन नहीं सॉरी कभी थोड़ा प्रोग्राम बन गया तो पक्का जाने हो, नेड़े ही है वैसे, उन्ने भी जा सकते हैं या हमीरपुर वाली साइड भी जा सकते, एक बार मैं गया बड़ा अच्छा व्यू है। वो तो मंदिर है बाबा गरीबदास का, वो मंदिर जो पानी में आ जाता है बरसात के दिन, जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो मंदिर जो उसमें नदी के अंदर आ जाता है, और बाबा गरीबदास का मंदिर है वहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो ये है हमीरपुर, राष्ट्रीय NIT, मैं बोल रहा हूँ ना, NIT रेवाड़ी हमीरपुर है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बिलासपुर जिले में, ठीक है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है बिलासपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चमेरा, चमेरा ऑब्वियस ही बात है, चमेरा, चो से चंबा, ये नहीं भी चो से चो रहा, ये नहीं पर पढ़ पढ़ी के जाना चंबा, चमेरा, ठीक है। बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किसको समर्पित है? अगर जेड़ा गया होगा जिसे को पता है, शिव भोलेनाथ को, ठीक है। कहने शिव भोलेनाथ जेड़ी मेरी वीडियो दिखा देने होगी, पेपर पास हो यहाँ, ठीक है। कहने वही तो मैं भी स्टूडेंट ही है, मैं भी तैयारी कर रहा था, पर मैं कह दी तैयारी करा देता, मैं तो नहीं दस सकता, पर भाई करा था मैं भी तैयारी, हिमाचल के कुछ पेपर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराणा रणजीत सिंह ने किसे पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया? देसा सिंह मजीठिया को, देसा सिंह मजीठिया को ऐसा नहीं है भैया, मैं नहीं दस सकता तुम, जो ऐसा नहीं है हिमाचल से जेड़ा पेपर निकला था, मैं पास दीदी भी तैयारी करा था, फिर मैं कोई भी निकला देता है नहीं, तो जेड़ा भी निकल रहा पटवारी होता, जेड़ा भी निकल जाऊंगा सर, करना पास क्या करना, नौकरी तो करना पौनी है। ये नहीं भैया मैं नहीं दसना तुम, जितना भी सही तैयारी लेपन करना रहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भी कुछ भी पेपर की तैयारी करा, मैं बस HPSC की तैयारी करा था, जिस चुन कोई भी पेपर निकल गया है पढ़ना करना, ठीक है। नरगु वन्य जीव बिहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? नरगु मंडी, मंडी जिले में नरगु वन्य जीव बिहार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिमाचली कौन है? सबसे पहला विजय कुमार, सबसे पहले हिमाचली। राजीव गांधी खेल पुरस्कार जेड़ा जितया ना, खेल रत्न। शेरशाह सूरी ने राज्य के किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? कांगड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसपा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? लाहौल स्पीति होंगी, ठीक है। अनुपम खेर का जन्म किस शहर में हुआ? दिख क्वेश्चन है ना मस्त, अनुपम खेर हिमाचल का साढ़े का शिमला है, आंदा ना वीडियो दिखी होनी, शिमला भी आंदा, दीदी मम्मी रहती शिमला, दोस्त भी हैं शिमला बड़े बारे पिता जन्म हुआ शिमला, उइया तो कश्मीरी पंडित है ना पुराना, लेकिन उइया पुराने दादे दूदे के टाइम में हो गया ये। भारत का प्रथम ई विधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? ई विधान, ये हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? देवों की घाटी बोलते हैं, देवी देवतियों की घाटी है कुल्लू। ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली चरणजीत सिंह था, चरणजीत। चल भाई अगला क्वेश्चन है थोड़ा, इंद्र किला, इंद्र किला पर्वत शिखर शिखर कहाँ है? ये देख क्वेश्चन था, पता ही नहीं होता, ये देख क्वेश्चन पूछ लेता बंदा, इंद्र किला पर्वत शिखर कहाँ है? कुल्लू जिले में। भाई उसको भी पता है यार, नॉर्मल क्वेश्चन सब पढ़ के जाते हैं, इजी इजी क्वेश्चन सब पढ़ के जाते हैं, वो ऐसे पूछेगा जो मोस्ट प्रॉब्लली कि मतलब बंदों को पता ही नहीं होता है, हाँ जो DP तैयारी करते हैं उनको पता होता है, ठीक है। महान क्रांतिकारी यशपाल किस जिले से संबंधित है? महान क्रांतिकारी यशपाल हमीरपुर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल में 7 जिलों के समूह है, किस किस झील को कहा जाता है? 7 जिलों का समूह, लामा झील, ठीक है, लामा झील। सुकेत रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो ये था लक्ष्मण सेन। पछोत्ता आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसान सभा ने। भारत का एशिया प्रथम भूमिगत संजय विद्युत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। संजय भूमिगत संजय मतलब ये भारत और एशिया में, पूरे एशिया जो एशिया में भूमिगत संजय विद्युत, भूमिगत जड़ी भाई, भूमिगत जड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है हिमाचल प्रदेश से साढ़े। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ है? शिकारी देवी टेम्पल भी मेरे डैडी ने मंडी है, कहने शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य भी मंडी जिले से है। सुवांग तेगी नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? दिवाली पर। सुवांग तेगी नृत्य दिवाली पर। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की लंबाई कितनी है? 158 किलोमीटर। श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजस्व प्राप्त प्रदान करने की घोषणा कब की? 31 जुलाई 1970, ठीक है, 31 जुलाई 1971 को शुरू में इंदिरा गांधी ने पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा की थी, 31 जुलाई 1971। 25 जनवरी 1971 जो पूर्ण राज्य दर्जा मिली है हमारे हिमाचल, ठीक है। नूरपुर राज्य का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो नूरपुर नूर जहां के नाम पर, आईडी लगा लेना, तो नूर जहां, ठीक है। जलोरी दर्रा किस जिले में है? कुल्लू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी ऑफ केलांग क्या है? ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले किस राज्य की राजधानी थी?
पंजाब की राजधानी थी शिमला। पौंटा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? पौंटा साहिब सिरमौर। पौंटा साहिब भी सुने ना, गुरुद्वारा तो सिरमौर ही चाहिए ना। 1527 में मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? अजमेर सेन ने। अजमेर सेन 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना अजमेर सेन ने की थी। हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा किस वर्ष स्थापित हुई? 1952 सबसे पहली विधानसभा स्थापित हुई थी, ठीक है, 1952। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के किस स्थान पर चांदी प्राप्त होती है? होंगी होंगी भाई, पता नहीं, चांदी प्राप्त जाना था चाहिए था संजय, चरागाह चौंधी है किन्नौर में, चरागाह। आप रोज तुम्हारा तुझे पता ही है, तुझे नहीं, सॉरी आपको पता ही है, वहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड हिमाचल है, चांदी तो ना खरी खड़ी है नहीं। निरमंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले। निरमंड। कोटखाई रियासत की स्थापना किसने की? कोटखाई अहिमल सिंह। गुरु का लोहार नामक स्थान किस जिले में है? बिलासपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टापरी गर्म पानी का चश्मा कहाँ है? किन्नौर। नेक्स्ट, मंडी जिले की बल्ला घाटी कौन से क्षेत्र में आती है? शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में। सुवा नदी किस जिले में बहती है? ऊना जिले में। सुवा नदी ऊना जिले में। हिमाचल प्रदेश लोकप्रिय सरकार किस वर्ष बनी थी? 1952। हिमाचल प्रदेश लोकप्रिय सरकार किस वर्ष बनी थी? 1952, ठीक है। 1952 का पहला मुख्यमंत्री बने हैं बाईस परमार। अगला क्वेश्चन है, 200 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये पूछा था कुछ दे, ये पूछ रहा है हमारे संसद के लिए, यानी दिल्ली संसद बैठती है तो 7 सदस्य साढ़े भी बनती है, तो ठीक है। श्री नैना देवी वन्य जीव विहार हिमाचल प्रदेश की किस श्रेणी में है? तो ये भी शिवालिक श्रेणी में है। नाको झील किस जिले में है? नाको किन्नौर। भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर वाई एस परमार। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लूत, कुल्लूत। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंजाब में प्रवेश करती है? रावी नदी चंबे दे बहती है, तुझे पता है चंबे तो परली साइड, बलोचिस्तान वाली साइड ते कौन लगी जाता ताड़ा पंजाब। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से पंजाब में प्रवेश करती है? था डलहौजी, तो एक मेरे आईडी ने कहा चंबे वाले, चंबा जिला साइड। संजय कुमार जिन्हें कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र प्रदान किया गया था किस जिले से संबंधित है? संजय कुमार जिहड़ा बेचारा कारगिल से शहीद होया तो उसको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था किस जिले से संबंधित है? तो बिलासपुर जिला, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। का पुराना नाम क्या था? नूरपुर का नाम पुराना है धमेरी, धमेरी नूरपुर या पुराना नाम भाई साहब धमेरी। बोले हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है और यह किस जिले में? रोंगटोंग जिला, लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना, सबसे ऊंची तारा भी अगर होंगी तो लाहौल स्पीति होनी ना सबसे ऊंचा, होती है उस साइड, ये साड़ी साड़े प्लेन इलाके कांगड़ा थोड़ी होनी, तो ये है रोंगटोंग जिला लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी। हिंदी लेखक निर्मल वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? इसका राइट आंसर होगा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू जिला में स्थित खोखन वन्य जीवन अभयारण्य कितने क्षेत्रफल में फैला है? 1405 हेक्टेयर में। 1960 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? 1960 तक 10 जिले थे, ठीक है। डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? 24 मार्च 1952 को, 24 मार्च 1952। सांगला घाटी किस जिले में है? तो ये है किन्नौर जिले में, ठीक है। तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहता है सांगला घाटी, सबसे सुंदर घाटी है, टूरिस्ट प्लेस है। महल मलेरिया नामक स्थान पर राजा संसार चंद के साथ किसका युद्ध हुआ था? महल मलेरिया नामक स्थान पर राजा संसार चंद का किसके साथ युद्ध हुआ था? गोरखाओं के साथ, गोरखिया ने भाई लड़ाके हम दे गोरखे। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी विद्या स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को खुम्भ नगरी के नाम से जाना जाता है? खुम्भ नगरी के नाम से जाना जाता है, खुम्भ होंगे मेरे आईडी ने रहा वो मशरूम जेड इन हम ने बोले मशरूम सिटी भी है, मेरे आईडी ने नहीं सोलन ही बोलते, मशरूम का उत्पादन भी सोलन में होता है सबसे ज्यादा। किस वर्ष वर्तमान दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ था? किस वर्ष वर्तमान दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ था? 6 वर्ष 1935। सिरमौर में पिछोत्तर आंदोलन कब हुआ? 1942। सिरमौर में पिछोत्तर आंदोलन हुआ 1942। शिमला शहर का नाम किस देवी से प्रभावित होकर रखा गया? हिंदू देवी श्यामला देवी के नाम से। 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन किया? सोवा राम ने।
यशवंत सिंह परमार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? सिरमौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मंतलाई झील है। मध्य प्रदेश में चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 122 किलोमीटर। मोरंग तहसील किस जिले में है? किन्नौर जिले में। मोरंग तहसील किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। तीर्थन वन्य जीवन अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में? तीर्थन वैली कुल्लू, कुल्लू में तीर्थन वन्य जीवन अभयारण्य। हिमाचल प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम बताइए? गुलाबी बुरांश। हिमाचल या गुलाबी बुरांश, ठीक है। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित किया गया? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया गया। 1 नवंबर 1904। किसे हमीरपुर का संस्थापक माना जाता है? भाई साहब हमीर चंद, अपना नाम रखिए अंधे बंदे, हमीर चंद। खीर गंगा नामक गर्म पानी का झरना कुल्लू जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल जिन्होंने कई वर्ष शिमला में व्यतीत किए वह क्या थी? अमृता शेरगिल ना चित्रकार ही, ठीक है। कौन सा दर्रा चंद्रभागा नदी का स्रोत है? बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? जमादार लाला राम को। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? जमादार लाला राम। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र और राज्यसभा क्षेत्र हैं? तो ये हैं 4 लोकसभा हैं, 3 राज्यसभा, ठीक है। सिंगल भी पूछ सकता है कि लोकसभा में कितने, तो लोकसभा 4 और राज्यसभा में 3, यानी टोटल कितने, संसद के 7। प्रसिद्ध दशहर झील कहाँ है? कुल्लू जिले में, ठीक है, कुल्लू जिले में दशहर झील। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1971 को। उच्च न्यायालय भी 25 जनवरी 1971 को ही हुआ था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 15 सीटें। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील, और सबसे बड़ी मैनमेड झील कौन है? वह गोविंद सागर, मतलब कृत्रिम झील वह गोविंद सागर। आंध्रा नदी किस जिले में बहती है? शिमला। हिमाचल प्रदेश का अधिक अपराध वाला राज्य कौन सा है? ओम मेरे परमात्मा, मैं कभी नहीं सोचा पिछाड़े जिला आना, पर मैं नहीं अपराधी यार। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक अपराध वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा। इन लिखी थे यार, वैसे कांगड़े वाले लोग शरीफ ही होंगे। हिमाचल विंटर कार्निवल त्यौहार किस शहर में आयोजित किया जाता है? विंटर कार्निवल बड़ा तगड़े तरीके होता है, मनाली। मनाली पर ही हम फॉरनर फॉरनर आनी होनी तो पूरे नज़ारे होंगे विंटर कार्निवल। कार्निवल है पूरा सिस्टम है भाई, अंग्रेजी शब्द पढ़ा ना कार्निवल है, गाना भी सुनिए कार्निवल जिता है। अपना प्रमोशन नहीं करा मैं, वो है क्या ना जिता किंग किंग काला दे किंग, उधर गाना सुनिए कार्निवल। हाँ किंग मेरे को इस तरह से इसलिए याद है क्योंकि एक बारी मैं DTU में था, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे सिद्धू मूसेवाले का लाइव कॉन्सर्ट था, ठीक है। फरवरी 2019 की बात है शायद, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 19 की बात है। उसके बाद तो शायद कोरोना लग गया था, हाँ, तो उससे पहले की बात है। तो सिद्धू मूसेवाले का लाइव कॉन्सर्ट था, तो मैं भी गया था वहाँ पे। तो इतना क्राउड था सिद्धू मूसेवाले के लिए, भाई साहब आप पूछो मत, लेकिन जो सुकून था सुनने का, काफ़ी मज़ा आया। अब कुछ लोग एंटी भी होंगे सिद्धू मूसेवाले के, लेकिन यार मुझे नहीं पता उसके बारे में, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा लगता था तो इसलिए। और वहीं पे आपका जो है, ये मैं जो किंग की बात बता रहा हूँ, किंग किंग भी मैंने देखा था। किंग को लोग पता मुश्किल से वही 100-150 लोग सुन रहा था, और उस टाइम पे मैंने इसे सामने से देखा। मैंने लोगों को पूछा, अपने दोस्तों को पूछा, मैं क्या ये कौन है भाई, बड़ा ऐसे उछल उछल के बौसलों के बीच और काला सा, मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो आज वो बंदा इतना पॉपुलर हो गया, किंग किंग बोलते हैं उसको, अच्छा है नो डाउट। वर्ष 1948 में किसे हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था? NC मेहता। पंडो बांध किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी। काफी ज्यादा बकचोदी होगी, अब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? असिकनी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1974। HRDC वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का पक्का ही है, 2 अक्टूबर 1974। आइस स्केटिंग क्लब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? मतलब आइस स्केटिंग है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पत्थर का खेल नामक सुप्रसिद्ध मेला लगता है? हम लोग हलोग शिमला में है ये, हलोग शिमला में। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? सोलन जिला। सोलन गोले के नाम से भी इसे जाना जाता है टमाटर को। महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ, वो स्थान कहाँ पर है? ये हुआ था मीरपुर भाई, मीरपुर में हुई थी लड़ाई, मेरे ऊपर से हो गई ये नहीं मुझे पता। गेफांग पर्वत शिखर कहाँ पर है? लाहौल स्पीति। गेफांग चांग पुआंग ये चाइनीज नाम ऊपर ही होंगे, लाहौल स्पीति।
हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त तो कौन से? न्यायमूर्ति टी बी आर टाटाचारी। तगड़ा नाम है दा टाटाचारी। सिंबल बरा वन्य जीवन बिहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सिंबल बरा भाई सिरमौर जिले में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? लाहौल स्पीति का मुख्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केलांग। मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क किस जिले में स्थित है? सोलन जिले में। मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क सोलन जिले में। शिप्की दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? शिप्की किन्नौर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा कांगड़ा, टांडा बोलता कांगड़े की स्थापना कब की गई? 1996 जो बने, हाँ टांडा 1996 में, ठीक है। चालू कई लोग जमे भी नहीं होने। हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? नौणी सोलन। वानिकी विश्वविद्यालय भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम झुझुराना। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है और यह किस जिले में है? सबसे बड़ा ग्लेशियर ग्लेशियर जोड़ा है शिगड़ी यानी लाहौल स्पीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा जिला मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? वो खूब बना है मशरूम, शायद इक्की किस्मों की, पर अलग अलग उसे भी बोला है सोलन से, मशरूम सिटी भी सोलन है। 1939 में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? बागवत सोठा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939। क्वेश्चन इसी से बन सकता है ना। प्रसिद्ध लवी मेला कहाँ लगता है? रामपुर में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान कहाँ था? रीणी मनाली, रीणी मनाली में। रानी का कोट नामक किला किस जिले में है? मंडी जिले में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर निम्नतर है? सबसे कम है भाई चंबा जिले, काठमांडू जिले। लोग पढ़े लिखे होंगे मतलब लिटरेसी रेट कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, कोई कोई बड़े अच्छे पहुंचे पहुंचे भी होते हैं। अजय कुमार को भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित ना संबंधित है? अजय कुमार जेड़ा भारतीय कबड्डी टीम के लिए खिलाड़ी है, भारतीय कबड्डी टीम का खिलाड़ी है अजय कुमार, है वह नालागढ़ थे। गसोत्ता मंदिर कहाँ? हमीरपुर में। गसोत्ता मंदिर हमीरपुर, ओहो गलत हुई है। शिमला हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले किस राज्य की राजधानी थी? रिपीट क्वेश्चन हो गया। पंजाब। मंडी को कुल्लू से कौन सा दर्रा अलग करता है? दुलची दर्रा या फिर दुलाची दर्रा? चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी में, चमेरा चंबे में और रावी नदी में। खीर गंगा नामक गर्म पानी का चश्मा कुल्लू। नेक्स्ट है अपना कुफरी हिमाचल प्रदेश के किस शहर में? कुफरी शिमला, सुना ही होना था। चलो नहीं बर्फ मिला, नहीं बर्फ मिला था बंदे शिमले जाते, बर्फ मिलती नहीं। चलो भाई कुफरी दिख लेने, तो कुफरी ऊपर बाढ़ चपेई जाती, बाढ़ मतलब पहाड़ियों के अंदर जहाँ छाया पड़ी रहती है 24 घंटे, वहाँ पे बर्फ मिल जाती है आगे जाके। 1948 में हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? 1948 से 4 जिले है। सॉरी यार फोन आ गया था मेरे को, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? मिर्जा हमीदुल्ला बेग। पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश मिर्जा हमीदुल्ला बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति अगरे प्रसिद्ध पाटन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सी एच एस के जड़ी है चौधरी, क्या नाम उस समय, जो नाम पूरा नहीं याद है, लेकिन जेडी इंडियन आर्मी की भर्ती लाने जाते हैं पालमपुर आल्ट है, उन्हें पता होना कि कृषि विश्वविद्यालय जो है पालमपुर है, डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंधित है? कटोच वंश। महलोग रियासत वर्तमान में किस जिले में का भाग है? महलोग रियासत सोलन जिले का भाग है। प्रसिद्ध कस्बा ठियोग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? शिमला जिले में। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस गिरी पब्बर, ये है यमुना नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1971, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है नगरकोट के किले में। हिमाचल प्रदेश के जासकर क्षेत्र में स्थित शिला नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7026। शिला नामक चोटी जी है जासकर क्षेत्र, जासकर क्षेत्र से वो है 7026। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कुल्लू रियासत, ठीक है दूसरी सबसे पुरानी। कंदरौर पुल बिलासपुर जिले में किस जिले किस नदी पर बना हुआ? कंदरौर सतलुज नदी पर बना, ठीक है। शिमले जाते हैं चलो मीरपुर के। अगला क्वेश्चन, 1999 में पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे दिया गया था? जयदेव किरण, जयदेव किरण को। भारत में पहला पैराग्लाइडिंग विश्व कप कहाँ आयोजित किया था? दसियाना कांगड़ा जिले से, पहले भी आया था क्वेश्चन। सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़। चुलांग पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चुलांग कांगड़ा, कांगड़ा जिले में। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जयवंत राम या जयवंत राम। बुद्धिल धारा उद्गम कहाँ है? मणिमहेश। सतलुज नदी तिब्बत में, तिब्बत से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में प्रवेश करती है? शिपकिला। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? शिपकिला। अगला क्वेश्चन, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? सिरमौर में।
लदारचा मेला कहाँ पर लगता है? लदारचा मेला काजा लाहौल स्पीति है। अगला क्वेश्चन है, दुदोन एवं पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? यह है कुल्लू जिले। दुदोन एवं पार्वती ग्लेशियर कुल्लू जिले में। संसार चंद्र ने गोरखों से छुटकारा पाने के लिए किसकी सहायता ली थी? सिखों की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? लिंग अनुपात हमीरपुर जिले का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो कि लाहौल स्पीति जिला में, यह किस शैली से बना हुआ है? शिखर शैली से। ठीक है, शिखर शैली। क्वेश्चन अगले भी तैयार ना, पर वीडियो काफी लंबी हो यार, इस अगला मैं अगली अगली वीडियो करवाऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में करवाऊंगा। अगले क्वेश्चन देख लो, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? लाहौल स्पीति। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जड़ा है लाहौल स्पीति, और सबसे कम क्षेत्रफल हमीरपुर जिले का। ठीक है, तो आज की वीडियो 200 क्वेश्चन करवाए, होप सो तो ठीक लगे हो। सो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जेड़ा भी होंगे यूट्यूब की वैसे शो करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अगली वीडियो चले अगली वीडियो में थोड़ा जल्दी लेके आऊँगा, जेड़े भी है ना मेरे लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है हिमाचल जीके के, अगर जिन्हें तो कर लेंगे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे सहायता मिलनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।